मैं हूं संभाजी। म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट से जुड़े एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेक्टर म्यूचुअल फंड्स के बारे में। सेक्टर म्यूचुअल फंड एग्जैक्टली क्या होते हैं, बहुत सारे सवाल हमारे मन में होते हैं। जैसे कि किसी और कैटेगरी का म्यूचुअल फंड होता है, डाइवर्सिफाइड कहिए या फिर इक्विटी कहिए, वैसे ही सेक्टर म्यूचुअल फंड एक टाइप का कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। और सेक्टर म्यूचुअल फंड में कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड्स है, एग्जैक्टली कौन सी ऐसी स्कीम्स है जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसी आइडियाज के बारे में आज थोड़ा बात करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा, डाइवर्सिफाइड हो या फिर ELSS हो, ये म्यूचुअल फंड के कैटेगरी के टाइप्स है म्यूचुअल फंड्स के। तो सेक्टर फंड भी एक टाइप है। सेक्टर फंड ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो किसी पर्टिकुलर सेक्टर में या फिर इंडस्ट्री में के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तब उन्हें सेक्टर फंड कहा जाता है। जैसे मान लीजिए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर फंड हो गया, तो ये फंड इन्वेस्ट करेगा बैंकिंग और फाइनेंशियल रिलेटेड स्टॉक्स में। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो गया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इन्वेस्ट करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्टॉक्स और उससे रिलेटेड सेक्टर्स में। कंज्यूमर सेक्टर फंड हो गया, तो कंज्यूमर सेक्टर ब्रॉडली कंज्यूमर रिलेटेड जो थीम्स होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट करेगा। तो ये कुछ टाइप्स होते हैं सेक्टर म्यूचुअल फंड के। अब ये जो म्यूचुअल फंड होते हैं, ये पर्टिकुलर किसी सेक्टर में ही इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको इससे लेस डाइवर्सिफिकेशन मिलता है और ये थोड़े रिस्की भी होते हैं। तो जब आप इन्वेस्टमेंट करने की सोचोगे तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि सेक्टर म्यूचुअल फंड में किन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या फिर यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कौन सी बातों का ध्यान आपको रहना चाहिए। तो पर्सन विद गुड इनसाइट ऑफ द पर्टिकुलर सेक्टर। तो यदि आप मार्केट में बहुत साल से हो, यदि आपको मार्केट के बारे में अच्छे से पता है और आपको किसी पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में आपको अच्छा लगता है, जैसे बैंकिंग हो, फाइनेंशियल्स हो, तो उन लोगों ने जरूर सेक्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यदि आपको किसी सेक्टर के स्टॉक्स पसंद है बट आपको उतनी रिस्क नहीं लेनी है डायरेक्ट स्टॉक खरीदते हुए, चाहे वो IT सेक्टर का स्टॉक हो या फिर बैंकिंग रिलेटेड स्टॉक हो, तो आप उस सेक्टर का म्यूचुअल फंड खरीदिए ताकि आपकी जो रिस्क है वो कम हो जाए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में मैनेज करने वाला मैनेजर होगा और आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपका इन्वेस्टमेंट का एपेटाइट है, हायर है, यदि आप रिस्क लेना चाहते हो, तो जरूर आप सेक्टर फंड के साथ जा सकते हो। और यदि आपको शॉर्ट टर्म में कुछ अच्छा गेन चाहिए, मान लीजिए आपको 1 साल या 2 साल में किसी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है, वो सेक्टर आने वाले समय में अच्छा करने का पोटेंशियल रखता है, तो जरूर आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा गेन मिल सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स है, यदि इन सारे फैक्टर्स को आपको ध्यान में रख के ही सेक्टर फंड में इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो चलिए देखते हैं कुछ सेक्टर्स कौन से हैं और उनसे अंडरलाइन फंड्स कौन से हैं। सबसे पहला जो सेक्टर है, काफी पॉपुलर है, वो आता है बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर। बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे अच्छा फंड है ICICI प्रूडेंशियल का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड। ये फंड पिछले 1 साल में ऑलमोस्ट 43.5% का रिटर्न इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को दिया है और 5 ईयर्स का परफॉर्मेंस इस स्कीम का रहा है 21.7%। दूसरा फंड है इसी कैटेगरी का है जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर को बिलोंग करता है, इसका नाम है आदित्य बिरला लाइफ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, जिसे हम लोग ASBL बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड के नाम से जानते हैं। ये फंड कुछ साल पहले ही रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है, तो इस फंड का जो 1 ईयर का रिटर्न है वो है लगभग 47% का, लास्ट 3 ईयर्स का CAGR रिटर्न रहा है 21.1% का। तो ये था बैंकिंग सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर रिलेटेड 2 फंड्स। आगे देखते हैं कौन सा सेक्टर है जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मेरे हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा सेक्टर है जो आने वाले समय में या फिर ट्रेडिशनली काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, जैसे जैसे इंडियन इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करेगी। तो L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ये काफी अच्छा जाना माना टॉप रेटेड फंड है, क्रिसल भी इसे 5 स्टार रेट करता है। तो इस फंड ने बस लास्ट 1 ईयर में 55.3% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है और पिछले 5 साल का रिटर्न भी 24% एंड अबव रहा है। इसी कैटेगरी में और एक फंड है जिसका नाम है फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया फंड। फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया फंड ये इंफ्रास्ट्रक्चर थेमेटिक कैटेगरी का फंड है। इस फंड ने 39% का रिटर्न इन्वेस्टर्स को पिछले 1 साल में दिया है और 5 साल का रिटर्न रहा है 27%। तो ये 2 फंड्स थे जो मुझे अच्छे लगते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर फंड में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा और एक सेक्टर है जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। FMCG एक अच्छा सेक्टर है जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो SBI का FMCG फंड ये काफी अच्छा फंड है। FMCG एवरग्रीन सेक्टर माना जाता है क्योंकि FMCG में इकोनॉमी के हिसाब से ये फंड काफी अच्छा है और GDP के हिसाब से भी ये सेक्टर ही काफी एवरग्रीन सेक्टर है। तो ये जो स्कीम है ये पर्टिकुलरली इन्वेस्ट करती है FMCG सेक्टर में। तो इस स्कीम का 1 ईयर का रिटर्न रहा था 53% और 3 ईयर्स का रिटर्न रहा है 70% एंड अबव ऑलमोस्ट।
अगला जो सेक्टर है उसे हम लोग रूरल सेक्टर या फिर रूरल इकोनॉमिक सेक्टर कह सकते हैं। उस कैटेगरी में, उस थीम में इन्वेस्टमेंट करने वाला जो फंड है उसका नाम है सुंदरम रूरल इंडिया फंड। सुंदरम रूरल इंडिया फंड का 1 ईयर का रिटर्न रहा है 36% और 5 ईयर्स का रिटर्न रहा है 20%। तो ये भी एक काफी अच्छा फंड है यदि आप रूरल इकोनॉमी रिलेटेड थीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। तो ये काफी अच्छे अच्छे कुछ थीम्स हैं। आगे बढ़ते देखते हैं कि और एक सेक्टर है जिनमें आप रिसेंटली आप देखोगे कि काफी अच्छा मूवमेंट आया है, जिसका नाम है कंज्यूमर सेक्टर। कंज्यूमर सेक्टर में टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड, ये पिछले 1 या 1.5 साल पुराना फंड है और इस फंड का परफॉर्मेंस केवल 1 साल में इस फंड ने 71% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। तो ये मैजिक होता है सेक्टर फंड का, यदि उस सेक्टर में कोई स्कीम इन्वेस्टमेंट करती है तो उसका रिटर्न भी उतना अच्छा परफॉर्म होता है यदि वो सेक्टर उतना अच्छा परफॉर्म करेगा तो। और एक एवरग्रीन सेक्टर है जिसे हम ऑटोमोटिव या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर कह सकते हैं, उसकी उस सेक्टर में काम करने वाला एक फंड है, उस स्कीम में उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने वाला एक फंड है जिसका नाम है यूटीआई ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक फंड। ये एक यूटीआई एएमसी को बिलोंग करने वाला फंड है, काफी पुराना फंड, अच्छा फंड है। 1 ईयर में इस स्कीम ने रिटर्न दिया है 30% और 5 ईयर्स का रिटर्न रहा है 30% का। तो ये सबसे पॉपुलर स्कीम में से एक है सेक्टर में और इसी स्कीम ने काफी अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। तो ये था ओवरव्यू कुछ एवरग्रीन सेक्टर्स के बारे में जो हमारे मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, और ये कुछ फंड्स हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट करके काफी अच्छा रिटर्न पा सकते हो, और इसके सारे प्रोज एंड कॉन्स तो मैंने आपको पहले ही बता दिए। तो ये था आज का हमारा वीडियो, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों और इन्वेस्टर कम्युनिटी के साथ जरूर शेयर कीजिए।